आपके बारे में पता होता आप आने वाले हैं तो कुछ और इंतजाम करके रखता। ये किसका बंदोबस्त? पुलिस का बंदोबस्त? ताकि पुलिस हमें अंदर नहीं घुसने देती और आप अकेले में लड़की से बातें करते हैं? नहीं, नहीं, आपने काफी बंदोबस्त किया है। कहाँ, ये सब कुछ तो घर पे पड़ा हुआ था सब। हाँ, अब हमें तो बाहर का खाने की आदत है नहीं, ना में हजम होता है, तो घर से ही आता है सब कुछ। हमारी भाभी ने बनाया, ये खालिस घी का है, खा के देखिए, बहुत अच्छा है। आपकी भाभी बनाती है घर में? हमारे यहाँ तो सब कुछ घर पे बनता है। देखिए यार, हमारा तो पेट होटलों में खा के ऐसा हो गया कि अच्छा खाना हमें हजम होता नहीं, तो इतना अच्छा हमको हजम होगा नहीं। तो बहुत खुश मिजाज आदमी है आप। लोग तो बोलते हैं खुश मिजाज। आप जरा पानी तो पिलाइए। मैं भूल गया था, आदत तो है नहीं ना अभी सब कुछ करने की। वहां भी सब कुछ भाभी करती होंगी। आपको कैसे पता? अब जो आदमी चाय के साथ घर के बने हुए पांच पकवान खाता है उसके साथ ऐसा ही होता होगा। पानी लेकर आता हूँ। क्यों भाई, मोतीचूर के लड्डू, बर्फी, बनाना चिप्स, ये सब बनाओगी किचन में बैठ के? मुझे ये सब बनाना नहीं आता है। लड़का तुम्हें बहुत पसंद करता है। अब सवाल ये कि लड़की उसको पसंद करती है या नहीं। इसको तो पानी भरना भी नहीं आता। अंकल, अगर आपको लड़का पसंद नहीं है तो चलते हैं, यहाँ बैठकर कोई फायदा नहीं है, चलिए चलते हैं यहाँ से। एक टूट गया, दो ही ग्लास रखे हैं इन लोगों ने नीचे। झाड़ू लगाना आती है? जी। झाड़ू लगाने पाँव कट जाएगा। हाँ, आपने अपना नाम आयुष कुमार उपाध्याय बताया ना? जी। आप कहाँ काम करते हैं? जीई में। जी के बॉम्बे ब्रांच के मैनेजर मिस्टर पुरोहित है ना? आप जानते हो ने? मेरे क्लासमेट थे, लेकिन अब तो हम प्राइवेट प्रैक्टिस करने की सोच रहे हैं। क्यों? यही बम्बई आकर लगा कि पैसा बहुत जरूरी है। यहाँ तो कितना पैसा है लोगों के पास, हर चीज को पैसे से तोलते हैं। सब डोनेशन मांग रहे हैं, क्या करूंगी मैं? हमें डोनेशन क्या होता है? डोनेशन, डोनेशन, डोनेशन का हिंदी क्या है? डोनेशन मतलब दान, हेल्प करना। द वर्ड कम्स दान वो होता है जो अपनी मर्जी से दिया जाए, ये तो कंपल्सिव डोनेशन है। अरे मैं उसको वर्ड का मीनिंग समझा रही थी। लेट अ पार्टिसिपेट ना निकी, इस तरह उसकी हर बात को काटो मत। तुम्हारे खुद के होंगे ना तो ये सारा आइडियलिज्म भाग जाएगा तुम्हारा। सैटेलाइट क्या होता है, चैनल का हिंदी वर्ड क्या है, हाथी सड़क पे पॉटी क्यों करता है, घर के अंदर बादल क्यों नहीं आते, टॉर्च का हिंदी टॉर्च ही क्यों है। मैं जानती हूँ मुझे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतने सारे सवालों के जवाब हर वक्त मेरे पास नहीं है। अरे भाई, बच्ची इंटेलिजेंट है तभी तो इतने सवाल कर रही है। इस इंटेलिजेंस का फायदा क्या हुआ, एडमिशन तो मिल नहीं रही है कहीं। अब इतनी डिसअपॉइंट मत होने की। आई एम जस्ट फेड अप। अब फेड अप थोड़ी आप तो निकिता हो। ऐश्वर्या, अच्छा जाओ बाहर जाके खेलो, देखो प्रकृति बुला रही है तुमको। ऐश्वर्या क्यों है, मेरा नाम प्रकृति क्यों नहीं है? गुड़िया जा प्लीज खेल। ओह गॉश, कितना बोलती है ये, मैं तो इतना नहीं बोलती थी। मुझे तो लगा मेरी सारी जिंदगी बेकार है। एस्थेटिक्स वेस्थेटिक्स कुछ नहीं होते, बस पैसा कमाना चाहिए। ये तो सब बड़े शहरों के चोंचले हैं, मैं तो रिटायर होने के बाद बॉम्बे में नहीं रहूंगी, मैं किसी छोटी सी पोल्यूशन फ्री, स्ट्रेस फ्री जगह में जाके रहूंगी। अब जो मुझे स्कूल है वहाँ वहीं के पिन कोड वाले बच्चे पढ़ेंगे, इसका मतलब कुछ खास बच्चे कुछ खास स्कूलों में पढ़ेंगे, और बाकी अरे पिन कोड, डोनेशंस, नहीं तो कॉन्टैक्ट्स। अच्छा ऐसे करते हैं, बॉम्बे छोड़ देते हैं, पौंडीचेरी चलते हैं। ये पॉलिसी बनाने का फायदा क्या था, क्या दुख है इस पॉलिसी का? ये तो तभी लागू हो सकता है अगर हर एरिया में एक अच्छा स्कूल हो, वरना अरे कमाल है, ऐसे कैसे चल सकता है? लवली विला इन पॉन्डिचेरी, क्या ख्याल है? इतना सब करने के बाद क्या वैल्यूज इम्पार्ट करेंगे ये स्कूल्स? मैं तो गुड़िया को हॉस्टल में डाल दूंगी, क्या सिखाएंगे बच्चों को ये लोग, बस पैसे बनाने की मशीन ना।
गेस्ट हाउस अच्छा है? हाँ, ऑफिस से मिलता है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। तो तुम के बॉम्बे में सेटल होने का नहीं सोच रहे? इतना बुरा शहर भी नहीं है कानपुर, कुमार साहब। हाँ, बम्बई की क्या बराबरी करेगा लेकिन? नहीं नहीं, कानपुर बुरा शहर नहीं है, लेकिन घूमने फिरने की जगह, छोटा शहर। हाँ वो है। सिगरेट पियोगे? नहीं, थैंक यू। हाँ, बम्बई जैसे डिस्को क्लब्स पब्स वगैरह नहीं है वहाँ पर, लेकिन यह कहीं भी पहुँचने के लिए वक्त बहुत लग जाता है। और जैसे क्लब आपको पहुँचना था 6 बजे, अब आप पहुँच रहे हैं 8 बजे। ट्रैफिक की आवाज़ आपको बहरा कर चुकी होती है, तब तक 900 ट्रकों का धुआं आपके चेहरे पर लग चुका होता है। अब जैसे कानपुर में है, आप ऑफिस से वापस आइए, लखनवी कुर्ता पजामा पहनिए और निकल चलिए पैदल नींबू पानी पीने क्लब में। कानपुर में भी तो अच्छी लड़कियाँ होंगी, सुंदर, सुशील। हाँ बहुत सारी हैं। ढूंढ रहे हैं क्या किसी के लिए आप? नहीं नहीं, आप बम्बई में रिश्ता करने आए ना? वो तो पिंकी मौसी के पहचान की लड़की थी, बहुत मानते हैं उनको, बस इसीलिए। और कोई? कुमार साहब, मैनेजर साहब को तो आप जानते ही, हमारे ये रहते हैं कफ परेड में, अगर कभी मुलाकात हो तो पूछिए मेरे बारे में। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर कोई खोट है। नहीं खोट नहीं, ऐसे ही मेरे प्रमोशन के बारे में। अच्छा, देखो आयुष कुमार, क्या है, रिया एक अच्छी लड़की है, बड़े शहर में पली बड़ी है। देखिए, आपकी कश्मकश मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी उतनी बड़ी कश्मकश में हूँ। मैं जानता हूँ हम लोग बिल्कुल अलग माहौल में पले बड़े हैं, लेकिन मैं शादी करना चाहता हूँ उनसे। क्यों, ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन कभी कभी कोई भा जाता है मन को। तुमको क्या लगता है, तुम रिया के लिए कुछ भी कर सकते हो? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं बदल नहीं सकता अपने आप को, लेकिन शादी भी करना चाहता हूँ उनसे। लेकिन शादी इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती ना? देखिए रिया जी, एक बार मेरे साथ कानपुर चले, अगर इतनी जल्दी शादी नहीं हो सकती तो ना से अभी बिना शादी के, अगर राधा जी मान जाए तो। देखिए मैं चाहता हूँ कि बड़ी माँ एक बार अपनी होने वाली बहू को देख ले, तसल्ली कर ले, फिर चाहे जितना समय राधा जी शादी में लगाना चाहे मुझे मंजूर है। सवाल ही नहीं होता, मेरी मामा इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगी। और मैं जिंदगी को इतना पेचीदा क्यों बनाना है? प्लीज बुरा मत मानिए आयुष जी, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं अपनी मामा को दुख नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आप नहीं जानते कितनी मुश्किलों से उन्होंने हमें पाला है, और आप चाहते कि आपके लिए मैं उन्हें दुख पहुंचाऊं। मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूं। देखिए मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूं। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। मुझे अफसोस है मैंने आपका दिल दुखाया। मुझे अफसोस है मैंने आपका दिल दुखाया। नो, देयर इज नथिंग टू फील सॉरी अबाउट, लेकिन फिर भी मैं अपनी मामा को यह सब नहीं कह सकती। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। देखिए मुझे लगा यही सही होगा, और वैसे भी मुझे लगता है बिना शादी किए अगर आप मेरे साथ मेरे शहर चलेंगी तो आपको कोई अपमान नहीं होगा। अच्छा तो आयुष कुमार उपाध्याय जी, मैं चलता हूँ, आप लोग आराम से बात कर लीजिए बेझिझक, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। मैं छोड़ कर आता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, आप विराजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतनी निराश क्यों हैं। आयुष जी, अपने शहर की तो बहुत बड़ी बड़ी धाक जमाते हैं आप, कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ की लड़कियां ऐसे नहीं घूमती, और इतना नहीं समझ में आता कि क्या क्या कि मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या मैं इस लायक नहीं हूं कि एक लड़की को हिफाजत से दूसरे शहर ले जाऊं क्या? देखिए मैं इतना नीच नहीं हूं, इसलिए मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि किसी लड़की से ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। प्लीज इस बात को इतना सेंटिमेंटल मत कीजिए, लेकिन आप मेरे लिए एक अजनबी इंसान है बस। मैं आपके लिए अजनबी हूं? मैं? क्या आपको इंसान की इतनी सी भी पहचान नहीं है? क्या आपको मैं एक ऐसा इंसान लगता हूं जो कि औरत की इतनी सी भी इज्जत नहीं कर सकता? अगर ऐसा है तो फिर आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए।
उठिए। आप कैसे सो सकते हैं आंख बंद करके? चलें। अंकल आपको कोई चिंता नहीं है? मैं यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे उसके साथ डेट पे जाना था। मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा कि शायद मुझे उसके साथ अपनी जिंदगी बितानी पड़े। शायद क्या, मुझे तो पूरी पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी जिस तरह से आप उससे लड़ रही थी वाइफ की तरह। अच्छा आप वहां से चले क्यों आए? क्योंकि तुम बहुत ही क्लीशे डायलॉग बोलने लगी थी और फिर मुझे लगा कि आपकी उम्र में लड़ने में भी एक कशिश होती है, तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा, आप सुकून से लड़ ही लें। लड़का कैसा लगा आपको? तुमसे इंटेलिजेंट है। इसका मतलब यह कि मुझे उसके साथ कानपुर जाना चाहिए। लड़का ठीक है। मामा नहीं मानेंगे अंकल। क्यों? अरे अंकल बिना शादी किए मामा मुझे किसी लड़की के साथ कैसे भेजेंगी? वो शादी करने के बाद पछताना पड़े तब? पता नहीं, बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल एक बात कहूं, आज तक जितने भी लड़कों से मैं मिली हूं ना, ये लड़का उन सबसे अलग है। प्रॉब्लम क्या है? बुढ़िया बस तरह बांधो और जाओ कानपुर। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे, मैं हॉकी स्टिक लेके आ जाऊंगा वहां। कानपुर तो मैं भी जाना चाहती हूँ, उसके परिवार से मिलना चाहती हूँ, उनके बारे में कुछ बातें जानना चाहती हूँ। मैं बात करूँ समदन जी से? नहीं, मामा से मैं खुद बात करूंगी। बस पता नहीं कि मैं उनसे बात शुरू कैसे करूं। चलिए अंकल चलते हैं। मिस्टर बोस प्लीज, ऐसे केस में बच्चा 8 साल का हो या 10 साल का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं मिस्टर बोस प्लीज। ऐसे केस में नॉर्मली मदर को कस्टडी मिलती है। अब अगर एक्सेप्शनल जजमेंट हो तो मैं नहीं कह सकती। मम्मी दुल्हन के गहने कहाँ है? गुड़िया मामा को कैसे पता? क्या बात करते हो आप? आप खुद जाके ढूंढो ना उसे। मिस्टर बोस सुनिए, देखिए अगर माँ का पेशा डिसऑनरेबल हो तब वो गैर जिम्मेदार ठहराई जा सकती है और ऐसे केस में शायद फादर को कस्टडी मिले। ठीक है, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ। ओके मैं ढूंढी, अभी आप ढूंढो। गुड़िया आप देख रहे हो ना कि हम खाना लगा रहे हैं? आप काम करते रहती हो, always, always, always. Please go to your room, गुड़िया, please. आपको पता नहीं मेरे को भी तो खाना बनाना है। गुड़िया मैंने क्या बोला आपको? आप प्लीज कमरे में जाओ प्लीज। इतने सारे डिसीजंस अकेले कैसे लूं? उसे डांस सिखाऊं या म्यूजिक सिखाऊं? एलोपैथिक दूं, होम्योपैथिक दूं? किस स्कूल में डालूं? टीवी देखने दूं, नहीं देखने दूं? मुझे लग रहा है तुम अपनी पेरेंटहुड की रिस्पांसिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा सीरियसली ले रहे हो। ढूंढ लो बेटा, ढूंढ लो, मिल जाएगा। जाओ। मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी प्राची। एक प्रॉब्लम हो तो इंसान सॉल्व भी कर सके, लेकिन इतनी सारी, उसके ऊपर से मेरे पास नौकरी नहीं है। स्कूल के एडमिशन के झंझट में मैं नौकरी तक नहीं ढूंढ सक रही हूँ। मैं तो थक गई, इसका मुंह कहाँ से ढूंढूं? मम्मी शादी से मम्मी देखो दूल्हा मिल गया, उसका मुंह नहीं मिल रहा है। अभी शादी कैसे करूँ? मेरा लगा लो तुम गुड़िया, मेरा लगा लो। अच्छा गुड़िया बेटे जाओ। देखो उसने तो जिम्मेदारी लेनी चाही थी, अब उसे बेकार में दोष देने का क्या फायदा निकी? और गुड़िया का एक बाप हो जाएगा तो क्या उसका स्कूल का एडमिशन आसानी से हो जाएगा? थोड़ा मॉरल सपोर्ट तो हो जाता ना प्राची, जरूरी नहीं, झगड़ा भी तो हो सकता है, दोनों को अलग अलग स्कूल्स अच्छे लगे तो। गुड़िया के पापा झगड़ा नहीं करते। हाउ कैन यू बी सो श्योर? क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ, बहुत केयरिंग इंसान है। मैं अपनी सारी बातें उन्हीं के साथ तो शेयर करती थी, इसीलिए करण को छोड़ना इतना मुश्किल हो गया था कि करण अनुष्का का भाई है।
मामा 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 रिया मैं बता रही हूं ये सब नहीं चलेगा समझती क्या है तू अपने आप को इतनी बड़ी हो गई है कि बिना मुझे बोले कहीं भी आ जा सकती है मेरे साथ रहना है तो ये सब नहीं चलेगा मैं अभी बता रही हूं पता है मुझे जमाना बदल गया है पर इतना नहीं बदला बड़ी हो गई है अभी बेबी प्लान कर रहे हैं और तुम काम लेने से इनकार कर रहे हो यू शुड हैव टेकन इट ना अच्छी तो एड एजेंसी थी मुझे जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है थोड़ा बच्चे के लिए बदल दूंगा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है ज्यादा जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए बच्चा बोझ लाने लगता है बच्चा बोझ कैसे हो सकता है देखो ऋचा जितना बच्चे के लिए अभी तुम करोगी बाद में उससे उतना ही ज्यादा एक्सपेक्ट भी करोगी लेकिन ख्वाहिशें भी तो होती हैं अरमान होते हैं नाउ देयर आर सो मेनी थिंग्स आई वांट टू डू फॉर द बेबी छोटी छोटी चीजें बट दे आर इंपॉर्टेंट करण अरे ऋचा बच्चा होने तो दो देखा जाएगा It's important right now. चलो बच्चे के बाप को प्यार करो करो देखा देखा तुम मुझे अभी से नेगलेक्ट कर रही हो बाद में क्या होगा तुम बहुत ऑब्सेस्ड मदर बनने वाली हो नो द बेबी इज गोना बी अ सेंटर नो 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 द चाइल्ड वुड बी अ पार्ट नॉट सेंटर आई एम गोना बी द सेंटर चलो मुझे प्यार करो तुम मजाक कर रहे हो ना तुम भी उतना एक्साइटेड हो जितना मैं हूं ना ऑफ कोर्स लेकिन तुम्हारे एक्साइटमेंट दिखाने के तरीके और मेरे एक्साइटमेंट दिखाने के तरीके में बहुत फर्क है यू नो ही वुड हैव मेड अ वंडरफुल फादर तुम कर सकते हो निकी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है लेकिन मुझे अपने आप पर नहीं है मुझे लगता है मुझे करण से बात कर लेनी चाहिए किस बारे में गुड़िया के एडमिशन के बारे में मैं रोऊंगी नहीं तब तक मेरी मम्मी बात नहीं सुनेगी लेकिन ऐसे तुम कमजोर नहीं हो जाओगी यू विल बी सो डिफीटेड इन इमोशंस का कोई फायदा नहीं है प्राची करण की भी जिम्मेदारी है माँ हूँ इसलिए सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है क्या हुआ क्या हुआ तेरा कहाँ है वो गुड्डा मिल गया था आज पिंकी मौसी ओ पिंकी मौसी हाँ आप आयुष के परिवार को जानती है ना कैसे लोग हैं अच्छे हैं सो जा आई मीन उनकी रेपुटेशन कैसी है बहुत रात हो गई अरे सुबह बात करेंगे बताइए ना आप उन्हें कब से जानती है सारी बातें मुझे से करनी है क्यों मामा से कर नहीं सकती और आपके सिवा दूसरा इस घर में कोई नहीं है इतना मत सोचा कर बिटिया रंग काला पड़ जाता है जा सो जा बहुत जागने से आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं अभी तो तेरी शादी होना बाकी है कभी कभी पापा की जरूरत कितनी महसूस होती है आप और मामा तो एक जैसा ही सोचते हैं शादी ससुराल काले धब्बे बस अगर पापा होते तो शायद एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो होता